आज दिनांक 19 फरवरी 2021 को माननीय सांसद पलामू लोकसभा क्षेत्र श्री विष्णुदयाल राम की अध्यक्षता में विद्युत विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग व धान क्रय संबंधी कार्यों की समीक्षा समाहरणालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में की गई। बैठक में मुख्य रूप से बिजली विभाग, पेयजल विभाग और धान क्रय के संबंध में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, किसानों को जो कठिनाई महसूस हुई है, उसके संबंध में जिले के पदाधिकारियों तथा भारतीय खाद्य निगम के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। बैठक में विद्युत विभाग की समीक्षा के क्रम में माननीय सांसद ने कहा कि विद्युत विभाग के तहत मुख्य रूप से छूटे हुए क्षेत्रों में विद्युतीकरण, बिलिंग तथा मीटर से संबंधित समस्याएं संज्ञान में आ रही है, जिससे जिले की जनता परेशान है, उसमें अतिशीघ्र सुधार किया जाना आवश्यक है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में ऐसे 151 टोले हैं जो इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, परंतु उन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति देने के लिए कार्य जारी है जो मार्च माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा 77 ऐसे टोले हैं जिन्हें इलेक्ट्रिफाई होना है, परंतु अब तक इसका कोई भी बजटरी प्लान नहीं है। इस पर सांसद महोदय ने विद्युत विभाग को एक बजटरी प्लान तैयार कर मार्च के प्रथम सप्ताह तक हेडक्वार्टर को भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों को विद्युत सुविधा मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें दुरुस्त रखने की भी जिम्मेदारी विभाग की ही है। ऐसे में इसका विशेष ख्याल रखा जाए ताकि ठीक ढंग से विद्युत आपूर्ति होती रहे। वहीं बिलिंग तथा मीटर को लेकर आने वाली समस्याओं के विषय में उन्होंने कहा कि बिजली बिल अथवा मीटर से संबंधित यदि कोई समस्या है तो पदाधिकारी उसको दूर करने का प्रयास करें। प्राथमिकी दर्ज करना उनकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजस्व में वृद्धि प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अवैध ढंग से बिजली का उपयोग तथा बिजली की चोरी के संदर्भ में आवश्यकता पड़ने पर जांच उपरांत नोटिस करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही, साथ ही कैंप लगाकर जनता की समस्याओं का निदान करने का भी निर्देश दिया। माननीय सांसद ने जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बड़े अमाउंट में बकाया बिजली बिल को इंस्टॉलमेंट में जमा करने संबंधी छूट देने की सलाह भी दी। इसके अलावा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम आने वाला है, ऐसे में अभी से विभाग इस दिशा में सचेत रहे ताकि जिले वासियों को किसी प्रकार की पेयजल की समस्या ना हो। मौके पर उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम के तहत आने वाले नगर उटारी के गरबांध में बंद पड़े ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को लेकर नाराजगी जताते हुए उसे जल्द से जल्द पूर्ण करने तथा गरबांध में पावर सब स्टेशन लगवाने, भूमि चिन्हित नहीं हो पाने के कारण लंबित का निर्देश क्रमशः कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा विद्युत विभाग को दिया। इसके साथ ही धान क्रय को लेकर समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि उक्त संदर्भ में लगातार धान क्रय केंद्र नहीं खुले होने, गोदाम भर जाने तथा समय से किसानों का भुगतान नहीं होने संबंधी समस्याएं सामने आ रही है, इसका निराकरण करने का निर्देश उन्होंने FCI के मंडल प्रबंधक को दिया। मौके पर FCI के मंडल प्रबंधक के द्वारा इन समस्याओं का मुख्य कारण स्टाफ की कमी तथा क्रय केंद्रों का भर जाना बताया गया, जिस पर माननीय सांसद ने FCI के जनरल मैनेजर से टेलीफोनिक माध्यम से तत्काल वार्ता करते हुए मुख्य रूप से स्टाफ की पूर्ति करने व ससमय किसानों को भुगतान करने संबंधी समस्या का समाधान करने की बात कही, जिस पर पदाधिकारी ने उसका त्वरित निष्पादन करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए कि किसान धान क्रय केंद्रों पर आकर वापस लौटे, यदि क्रय केंद्र भर जाते हैं तो इसकी सूचना मैसेंजर के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए। वहीं उपायुक्त ने बताया कि बैठक में मुख्यतः 3 बिंदुओं, पेयजल एवं स्वच्छता, विद्युत तथा धान अधिप्राप्ति पर चर्चा की गई है। सभी पदाधिकारी एक निश्चित समय अवधि के अंदर अपने विभाग से संबंधित कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या से जुड़े गरबांध, नगर उटारी के मामले को ड्राइव चलाकर एक सप्ताह के भीतर निष्पादित किया जाएगा। धान अधिप्राप्ति के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ समस्याएं हैं, इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय सांसद ने टेलीफोनिक माध्यम से FCI के जनरल मैनेजर से बात की है। बैठक में माननीय सांसद पलामू लोकसभा क्षेत्र श्री विष्णुदयाल राम तथा उपायुक्त गढ़वा श्री राजेश कुमार पाठक के अलावा उप विकास आयुक्त गढ़वा श्री सत्येंद्र नारायण उपाध्याय, महाप्रबंधक विद्युत अंचल गढ़वा, अधीक्षण अभियंता विद्युत अंचल गढ़वा, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, अनुमंडल पदाधिकारी रंका, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल गढ़वा, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल नगर उटारी, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा, मंडल प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम डाल्टनगंज समेत अन्य उपस्थित थे। करके बिल से संबंधित जो समस्या है या मीटर से संबंधित जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करें। प्राथमिकी दर्ज करना उनकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजस्व में वृद्धि प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा पेयजल स्वच्छता विभाग को उपायुक्त महोदय ने कहा कि गर्मी का मौसम आने वाला है, इसलिए अभी से इस दिशा में वो सचेत रहें ताकि जनता को गर्मी के मौसम में किसी प्रकार के पेयजल की समस्या नहीं हो।
बैठक में मुख्यतः तीन विषय को लिया गया था, बिजली विभाग, पेयजल स्वच्छता एवं धान अधिप्राप्ति के संदर्भ में चर्चा की गई, इसकी समीक्षा की गई और सभी पदाधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया और एक कमिटमेंट दिया गया कि इसे समय निर्धारित समय के अंदर ही इस काम को लोग पूरा करें। बिजली विभाग के कुछ इशूज थे जिसमें उन्होंने अप्रैल अंत तक समय का उनका निर्धारित किया गया और मई महीने में उसकी समीक्षा की जाएगी। इसी प्रकार पेयजल का एक विशेष मामला था गरवान से संबंधित, तो उसमें हम लोग एक ड्राइव चला के उसे एक सप्ताह के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। धान अधिप्राप्ति में कुछ समस्याएं हैं जिसके लिए माननीय सांसद महोदय ने खुद महाप्रबंधक जीएम से भी बातचीत किया और उनके द्वारा भी बताया गया कि जो स्टाफ की कमी है और छोटे छोटे इशूज हैं उसके लिए आज ही कोई अपना डायरेक्शन इशू कर रहे हैं, स्टाफ को यहाँ भेजेंगे और आने वाले दिनों में किसानों को सुगमतापूर्वक धान क्रय करके उसकी पेमेंट की जाए। इसी दिशा में हम लोग का यह पहल था, हम लोग इस दिशा में और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।